हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट ब्रेड केक रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर चार ब्रेड यूज़ किया है। अब हम इस ब्रेड का जो साइड्स है वो हटा लेंगे, इसे हम काट के निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने ये साइड्स निकाल दिया है और अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मैंने चारों ब्रेड के साइड्स को काट के निकाल दिए हैं। और ये जो है ये, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो क्रीम की जगह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दही। तो यही है इस रेसिपी का ट्विस्ट, यहाँ पे हमें क्रीम का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम नया क्रीम बनाएंगे जो कि हम दही से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रेश दही को लेके उसमें हम डालेंगे कोई भी आपके मनपसंद का चॉकलेट, आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम चॉकलेट को मेल्ट करके दही में मिला देंगे और फिर उसमें डालेंगे हाफ कप शुगर, चीनी डाल देंगे हम उसे मीठा करने के लिए। और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए दही का कलर कितना अच्छा से चेंज हो चुका है, बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है ये। अब हम लेंगे शुगर सिरप यानी कि चाशनी, इसे भी मैंने बना लिया है। इसे मैंने एक कप पानी में हाफ कप चीनी को बॉईल कर लिया है, उससे बन जाता है हमारा चाशनी। अब हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट, चॉकलेट ओरियो बिस्किट का यूज़ किया है। तो इसका जो बिस्किट वाला पार्ट है इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और क्रीम को हम इस तरह उसमें से अलग कर लेंगे। आप चाहे तो कोई और भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं आपके मनपसंद का। और ये क्रीम जो है हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम बाद में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो बिस्किट है हम इसे क्रश कर लेंगे अच्छे से और ये कुछ इस तरह दिखेगा। और बाद में आप देखिएगा कैसे मैं इससे डेकोरेशन करूँगी। तो अब चलिए ब्रेड बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस ब्रेड का रखेंगे और उस पर लगाएँगे हमारा जो चाशनी है, उसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड पे। तो इससे जो है ब्रेड सॉफ्ट भी होगा और मीठा भी होगा। उसके बाद हम दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख लेंगे और फिर से हम इसके ऊपर चाशनी लगा लेंगे। तो इस तरह से हम चारों ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर चाशनी लगाएंगे। इससे जो है ब्रेड एक दूसरे में चिपक भी जाएंगे तो बहुत आसानी होगा केक बनाने में। तो ये देखिए हम सभी पे अच्छे से चाशनी को लगा लेंगे ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड में। तो इस रेसिपी की यही खासियत है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, एकदम ही टाइम नहीं लेता। आप चाहे तो इसे सिर्फ 5 या 10 मिनट में बना सकते हैं और ये सिर्फ 20 या 30 रुपए में ही बन जाता है। तो ये बहुत ही इंस्टेंट केक रेसिपी है, आप इसे जब चाहे जहाँ चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे चाशनी लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम क्रीम यानी कि दही जो हमने रेडी करके रखा है। तो इसे हम अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे और ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए ब्रेड पे। और फिर हम इसमें चम्मच की मदद से लेके इसके ऊपर साइड्स में हर जगह लगा लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और हमें चम्मच से प्रॉब्लम होगा स्प्रेड करने में तो हम इसके लिए नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर ब्रश है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाइफ़ यूज़ करूँगी। ये देखिए इसे हर तरफ लगा लेंगे हम, चारों तरफ लगा लेंगे जो हमारे ब्रेड के पीसेज हैं उसमें, और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल क्रीम जैसा आता है। पर एक बात का ध्यान रखें कि आप दही जो है वो फ्रेश यूज़ करें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो क्रीम जैसा नहीं आएगा। तो अब मैंने चारों तरफ लगा दिया है क्रीम, अब एक बार इसे अच्छे से इवन कर लेंगे हम फिर से। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं ये नाइफ के हेल्प के इससे कितना अच्छा से लग जा रहा है क्रीम इसमें। आप इसे किसी भी मौके पे बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे बर्थडे पे, क्रिसमस पे या किसी भी छोटे मोटे इवेंट पे आप इसे बना सकते हैं क्योंकि ये इतना इजी है। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए जैसे मैंने कहा था, हम जो बिस्किट का पाउडर बनाए थे उसे हम लोग ऐसे करके स्प्रिंकल कर देंगे ब्रेड केक के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और हम इसे साइड में भी ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे अच्छे से। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा केक लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम इसे अच्छे से ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे चारों तरफ, इससे जो है ये और चॉकलेटी बन जाएगा। और फिर जो ये क्रीम था इसे भी हम ऐसे कोई शेप दे देंगे, आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बस इसे फोल्ड कर दे रही हूँ और इसे हम ऐसे बीच पे रख देंगे, इससे ये और भी सुंदर लगेगा दिखने में। तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है आप सर्व करने के लिए। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये। ये देखिए ये बिल्कुल कुछ इस तरह दिखेगा और ये बिल्कुल रेडी है आप। तो आप ये ज़रूर बनाएं और ज़रूर बताएं मुझे कैसा लगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।